श्री राधे राधे। भक्तों, जब एक बार पात्रता प्राप्त हो जाती है गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, आत्म कृपा से, तो कोई कहीं भी रहे उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता ही रहता है। आपको प्रभु की कृपा से मैं सुना रहा था कि माँ मणि श्री वृंदावन धाम से अब जा चुकी हैं, फिर भी उनके ऊपर कृपा प्रभु की बनी रही और परम गुरु का दर्शन उनको हुआ। उनके गुरुदेव के गुरुदेव थे विजय कृष्ण गोस्वामी जी। एक दिन गोसाई जी दर्शन दे करके बोले, वो लिखती हैं माँ मणि, कि उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कुंभ मेला है, बहुत से महात्मा छद्म वेश में वहां उपस्थित होंगे। माँ मणि ने कहा, वृंदावन में आपने कहा था कि हरिद्वार के कुंभ मेले में आपके तंबू में रहकर आपके साथ ही मेरा कुंभ स्नान होगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गोसाई जी बोले, वो होगा, सब बात प्रकाश करना ठीक नहीं होता, तुम नाम को पकड़े रहो, तुम्हें इस देह को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, नाम करो, स्नान हो जाएगा। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर कहा, कुंभ स्नान के दिन मौनी रह करके नाम में डूब जाना, यही असली स्नान होगा। आसन पर बैठकर गुरु गोविंद का स्मरण करते हुए मानसी रूप से हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में स्नान करना। कुंभ स्नान के दिन प्रातः आसन पर बैठते ही माँ मणि ने अपने आप को देखा, गोसाई जी, माता ठकुरानी, गुरुदेव और माँ जननी गुरुपत्नी के साथ हरिद्वार में। उन्होंने सबके साथ ब्रह्म कुंड में स्नान किया। गोसाई जी ने उनका हाथ पकड़ करके 4-5 बार डुबकी लगवाई। उसके पश्चात घाट पर जाकर हरिपाद पद्म के दर्शन किए। अब बेले तोड़े में कुछ दिन रहने के पश्चात माँ मणि गोसाई जी के आदेश से पुरी चली गई, जगन्नाथपुरी, और पूर्व की भांति जगन्नाथ जी के नित्य नैमित्तिक दर्शन आदि करने लगी। यहां भी आसन पर बैठते ही एक अलौकिक भाव राज्य में डूब जाती थी। श्री गोसाई जी और माता ठकुरानी के साथ ब्रज लीला रस का भोग करती, महाप्रभु के भी राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ ब्रज लीला रस का आस्वादन करते हुए कभी कभी दर्शन करती। और रथ यात्रा दूसरे दिन रात्रि में माँ मणि ने देखा, मणि ने माता ने देखा कि जगन्नाथ देव के 4 पार्षद उनके पास आए हैं, उनके 4 हाथ हैं, श्यामल वर्ण हैं, गले में माला है, माथे पर तिलक, और वे पीत वस्त्र धारण किए हैं। उनसे कह रहे हैं, आप इस देह को छोड़कर हमारे साथ वैकुंठ चलो, प्रभु ने तुम्हें ले जाने को कहा है, तुम्हारा और जन्म नहीं होगा। माँ मणि ने कहा, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना, मैं गोसाई जी का आदेश पाए बिना नहीं जाऊंगी, उन्होंने मुझसे कहा है कि मृत्यु के समय वे स्वयं आकर मुझे ले जाएंगे, गोसाई जी के चरण छोड़कर मैं वैकुंठ की भी कामना नहीं करती। तब वे हंसते हंसते चले गए। माँ मणि ने जब ये बात गोसाई जी से कही तब वे बोले, तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा के लिए प्रभु ने लीला की थी, तुमने जब गुरु के लिए वैकुंठ का लोभ भी त्याग दिया तो कोई चिंता नहीं, गुरु कृपा से तुम्हें सभी कुछ मिलेगा,
कुछ बाकी नहीं रहेगा। कुछ दिन लीला रस आस्वादन करो, ठीक समय पर मैं तुम्हारी सब व्यवस्था कर दूंगा। मां मणि को एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने सत्य प्रचार करने का, विशेष रूप से नाम ब्रह्म का प्रचार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, नाम ब्रह्म बहुत शक्तिपूर्ण है, जब तक सदगुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होता, नाम ब्रह्म का जप करने से विशेष उपकार होता है। नाम ब्रह्म ही अंत में सदगुरु की प्राप्ति करा देता है। गोसाई जी ने कहा, महाप्रभु नाम ब्रह्म रूपी जो महारत्न दे गए हैं, वो शक्ति शैव वैष्णव सभी के लिए है। इसकी सहायता से जिस किसी देवी देवता की आराधना की है, इसकी सहायता से जिस किसी देवी देवता की आराधना की जाए, वो पुरुषोत्तम को ही पहुंचती है। इसके बिना कलिकाल में जीवों की गति नहीं है। सत्य प्रचार के कार्यक्रम के अंतर्गत ही मां मणि को गोसाई जी के आदेश से वृंदावन लीला आदि ग्रंथों का प्रकाशन करना पड़ा था। जिस प्रकार वृंदावन लीला में मां मणि द्वारा अनुभूत वृंदावन की विभिन्न लीलाओं का उल्लेख है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम लीला में जगन्नाथपुरी में हुए विभिन्न प्रकार के लीला दर्शनों का उल्लेख है। और जीवन गाथा में भी मां मणि ने पुरी में अनुभूत बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया है। और भक्तों, कुछ लीलाओं को ठाकुर जी की कृपा से आप सुन सकेंगे। एक दिन की बात है, मां मणि लिखती हैं, श्रीमन महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, कोई देख नहीं पाता, वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत के सब अक्षर ज्योतिर्मय हैं। उस समय से जब भी चैतन्य चरितामृत का पाठ करती, अक्षरों को ज्योतिर्मय रूप में झलमल करते देख आश्चर्यचकित होती, पर दो एक अक्षर साधारण स्याही में ही छपे दिखते, पीछे पता चलता कि वे प्रक्षिप्त हैं। इस समय से मुझे चैतन्य चरितामृत का प्रत्येक अर्थ हृदयंगम होने लगा, ऐसा लिखा मणिमाता ने। मां मणि एक जगह आगे फिर लिखती हैं, गोसाई जी बोले, जगन्नाथ देव कह रहे थे, मंदिर में नियमित भोग नहीं लग रहा है, कल जो तुमने उनका खिचड़ी का भोग लगाया था, उसे मेरे साथ पाकर वे बहुत तृप्त हुए। और मेरी प्रकट अवस्था में भी जब कभी मंदिर में भोग का गोलमाल होता, वे मेरे साथ खाते, ऐसा लिखा माता ने। लिखती है वो कि आसन पर बैठकर नाम कर रही थी, वही वृंदावन के छोटे राधा कृष्ण आए। राधा इस बार बोली कि राधा ने कहा कि इस बार हम लोग ब्रज धाम में रहेंगे। भक्तों, पुरी के कुंडाइवेंट शाही क्षेत्र में एक मकान है जिसमें मां मणि रहा करती थी। मां मणि लिखती हैं कि उन्होंने पूछा, राधा रानी से पूछा कि इतने दिन तुम दोनों आए नहीं क्यों? तो उस भगवान श्री कृष्ण बोले, राधा वृंदावन छोड़कर और कहीं नहीं रहना चाहती, इसलिए हम तुम्हारे पास आते हैं और चले जाते हैं। गोसाई जी ने तुम्हें बहुत सा काम सौंप रखा है, उसके शेष होने पर ही तुम वृंदावन जाओगी, तब तक हम यहाँ रहेंगे, गोसाई जी के साथ भोग खाएंगे। राधा बोली कि इस बार हम ब्रज धाम में रहेंगे, यहाँ पुरी में तो द्वारका लीला है, ब्रज धाम में वृंदावन है।
जगन्नाथ देव भी तुम्हारे व्रज धाम में भोग खाने आते हैं। तो मां मणि ने कहा कि मेरी तो क्षमता नहीं है विशेष कुछ भोग देने की, थोड़ा सा शाक और भात बना करके भोग लगा देती हूँ। कितने देवालयों में तो षोडशोपचार से तुम्हारा भोग लगता है। भोग मंदिर में जगन्नाथ देव को राजोचित नाना प्रकार के द्रव्यों का भोग लगता है। तुम सब मेरे सामान्य भोग का आनंद पूर्वक आस्वादन इसलिए करते हो कि गोसाई जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, उन सब स्थानों में हमें ठाकुर सजा कर रखा जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। वे लोग प्रेम करना नहीं जानते, हम अपने निज जनों के पास ही जाते हैं जो हमें अपना मानते हैं। वृंदावन में हम इसलिए रहते हैं कि ब्रजवासी हमें अपना निज जन मानते हैं, ठाकुर नहीं। ऐसा भगवान ने मामणि को बताया था। भक्तों, भगवान को निज जन मानना ठाकुर माने से ज्यादा अच्छा है, ऐसा स्वयं भगवान के बोलने से पता चल रहा है। मां मणि जहां रहती थी जगन्नाथपुरी में, उस भवन का, उस स्थान का नाम ब्रजधाम रखा गया था, इसीलिए ठाकुर जी वहां जाते थे तो कहते थे मैं ब्रजधाम में रहूंगा और तुम्हारे ही भोग खाऊंगा जो तुम खिलाओगी। इसलिए मां मणि कहती थी कि मंदिरों में तो बहुत छप्पन भोग मिलते हैं, मेरे पास तो रूखा सूखा मिलता है। तो भगवान कहते थे मैं ब्रजधाम का मतलब तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे ब्रजधाम का ही प्रसाद पाऊंगा भले रूखा सूखा है, क्योंकि तुम मुझे अपना मानते हो। उन मंदिरों में मुझे ठाकुर माना जाता है, भगवान माना जाता है, अब तुम मुझे बच्चे की दृष्टि से देखकर अपना मानती हो। तो भक्तों, ये ब्रजधाम जो कहा जा रहा है यहाँ पर, उसका मतलब वृंदावन वाला ब्रजधाम की बात यहाँ नहीं है। यहाँ ब्रजधाम कहा जा रहा है मां मणि का वो घर जो जगन्नाथपुरी का है। एक दिन की बात, मां मणि लिखती हैं कि गोसाई जी ने कहा, मां वृंदावन लीला मंदिर में ले जाकर के पढ़ो, जगन्नाथ देव सुनना चाहते हैं। तो मां मणि ने कहा कि आपके आदेश से मैंने मंदिर में उपदेशामृत का पाठ किया, सबको बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था वृंदावन लीला और पुरुषोत्तम लीला का पाठ मंदिर में नहीं करूंगी, पर आपकी आज्ञा है तो करना ही होगा। गोसाई जी बोले, मां आप गोपनीय कुछ नहीं रहने का है, महाप्रभु की इच्छा से सभी कुछ प्रकाशित होगा। जिन्होंने उपदेशामृत सुना है उनका वृंदावन लीला सुनने का अधिकार हो गया है, इसलिए मैंने मंदिर में वृंदावन लीला का पाठ आरंभ कर दिया। मुख्य श्रोता जगन्नाथ जी थे, पर महिलाएं भी बड़े आग्रह से सुनती थी, और वृंदावन लीला जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय। भक्तों, वृंदावन की लीला वही है जो मैं आपको कल तक सुना रहा था, कल तक जो मैं मां मणि के लिखा हुआ सुना रहा था, वो सब वृंदावन की लीला थी। अब वो माता बता रही है कि वृंदावन की लीला जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसा लिखती है स्वयं। उनके वर्तमान विचित्र रूप का कारण भी तो वृंदावन लीला का श्रवण ही है। ये एक रहस्य की बात है, ये मैं सुना चुका हूं, लेकिन फिर कभी मौका आएगा तो विस्तार से सुनाऊंगा। राधा जी की लीला सुन करके ही भगवान ने वो रूप धारण किया था जो जगन्नाथपुरी में रूप है। भक्तों, वो बहुत विस्तृत वार्ता है, प्रभु की जब इच्छा होगी तब सुनूंगा। आगे मां मणि लिखती हैं एक दिन के चरित्र में कि देखा कि ये राधा रानी विलाप कर रही हैं और उन्मादिनी की तरह भाग रही हैं। ललिता रोते रोते उन्हें धर रखने की चेष्टा कर रही हैं और वृंदावन में विषाद छाया है। तरुलता सब अश्रुमोचन कर रहे हैं,
देखकर इतना कष्ट होने लगा कि सहन न कर सकी। गोसाई जी ने कहा, अभी राधा रानी का विरह देख रही हो, रथ यात्रा के पश्चात श्री जगन्नाथ देव 9 दिन गुंडीचा लीला करेंगे, तब मिलन लीला देखोगी। फिर आगे वो लिखती हैं कि एक दिन देखा कि महाप्रभु आनंद से विह्वल हो हरि बोल बोलते बोलते आए और मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, माँ गुंडीचा में श्री वृंदावन लीला दर्शन करो। उसी समय देखा राधा कृष्ण का अपूर्व मिलन, दोनों आलिंगन बद्ध हैं, सखियां नृत्य गान कर रही हैं, महाप्रभु और गोसाई जी एक होकर के श्री कृष्ण मिल गए हैं। कितनी देर तक तन्मय हो देखती रही पता नहीं। जब यह अवस्था चली गई तब देखा कि महाप्रभु और गोसाई जी खड़े हैं, मैं उनके पास हाथ जोड़े खड़ी हूं। दूसरे दिन गोसाई जी ने कहा, माँ दर्शन एक बार खुल जाता है तब सब लीलाएं देखने लगती हैं। मन जब तक अंतर्मुखी होकर गंभीर भाव में डूब नहीं जाता तब तक कुछ नहीं होता। प्रकृत धर्म गुहा में निहित है, गुहा में निहित है इसलिए पता नहीं चलता। उसकी प्राप्ति बाह्य जगत में जल्दी से नहीं हो पाती है। एक दिन आगे लिखती है माँ मणि, महाप्रभु आए और मुझसे बोले, माँ उस दिन जगत बंधु ने कहा था कि पुरुषोत्तम लीला छिपकर आए है। जगत बंधु सुंदर की बात की जा रही भक्तों, जगत बंधु सुंदर जी जिनकी चरितावली में आपको सुना चुका हूं लेकिन अभी वो YouTube में प्रकाशित नहीं हुई है, थोड़े दिन बाद YouTube में आ जाएगी, अब फिर आप विस्तार से श्रवण करेंगे। तो वही जगत बंधु ने एक दिन कहा था कि मां पुरुषोत्तम लीला जब छप करके आए तो एक प्रति मुझे मंदिर में मणि कोठा पर दिखा करके ले जाने को मां से कहना। उसी दिन गोसाई जी ने कहा, समुद्र ने कहा है मां से कहो मुझे रामायण पाठ करके सुनाए, रामचंद्र ने मुझे बंधन कर सीता देवी का उद्धार किया था, उसके पश्चात क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। आगे लिखती है मां मणि कि मैंने कई दिन तक प्रतिदिन संध्या समय समुद्र तट पर जाकर बैठ करके रामचरितमानस का पाठ किया। तब गोसाई जी ने कहा, समुद्र ने कहा मैं पाठ सुन करके तृप्त हो गया। कितना भाग्य था मां मणि का कि मां मणि से रामचरित सुनने के लिए समुद्र ने प्रार्थना की थी और तब स्वयं माता ने रामचरित मानस जाकर के समुद्र को सुनाया और समुद्र ने फिर कहा गोस्वामी जी से, गोस्वामी जी मतलब विजय कृष्ण गोस्वामी, उनसे कहा कि मैं पाठ सुनकर के तृप्त हो गया। मां मणि के मुख से पाठ सुन के तृप्त हो गए समुद्र देव। भक्तों जो सच्चा प्रभु का प्रेमी होता है भक्त होता है उसके मुख से पाठ आदि देवी देवता भी सुनना चाहते हैं। बताओ समुद्र को सुनने की इच्छा हो गई कि राम जी का चरित्र मां मणि मुझे सुना दे। मां मणि कोई वक्ता थोड़े थी, वो तो पढ़ करके रामचरितमानस सुनाती थी लेकिन उनको अच्छा लगता था। एक दिन का वो लिखती हैं कि उन्होंने गोसाई जी से पूछा, आज प्रातः आपके पास जटाजूटधारी एक ऋषि को देखा था वे कौन थे। गोसाई जी ने कहा, वे तुम्हारे गोत्रपति विश्वामित्र थे, तुम्हें आशीर्वाद करने आए थे।
प्रयाग में कुंभ मेले पर तुम्हें एक मास उनके पास रखने का अनुरोध कर गए। अब आप ध्यान से सुनिए कितनी विचित्र बात है कि विश्वामित्र जी स्वयं बोल गए कि कुंभ मेले में प्रयाग में एक महीने वहां विश्वामित्र जी के निकट उनको रहना है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं विजय कृष्ण जी कि मैंने उनसे कहा देह लेकर के प्रकाश भाव से नहीं जा सकेगी, सूक्ष्म देह से मेरे साथ नित्य आया जाया करेगी। मैं जानती थी, अब माता कहती है कि मैं जानती थी कि पूर्व काल में माघ मास में प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में मुनिगण एकत्र होकर एक मास कल्पवास त्रिवेणी स्नान शास्त्रालोचना आदि करते हैं, और आज भी वही क्रम चल रहा है। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। एक मास तक गोसाई जी मुझे प्रयाग के मेले में ले गए। गोसाई जी की आज्ञा से मैं ज्योतिर्मय मुनि ऋषि आज जो शास्त्र आलोचना स्तव स्तुति आज सब संस्कृत भाषा में होता, मुझे सब संस्कृत भाषा छोड़ बंगला का भी वर्ण ज्ञान तक नहीं है, अरे कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर भी गुरु कृपा से कैसे सब कुछ लिख लेती मेरी समझ में नहीं आता। बाद में मुझे आश्चर्य होता। और प्रयाग के कुंभ मेले में गुरुदेव ने जो दिखाया और लिखवाया ये सब उनकी आज्ञा से ऋषि वाणी नाम के ग्रंथ में प्रकाशित हुआ। भक्तों, गुरु कृपा से सब असंभव कार्य संभव हुआ था मां मणि के साथ। अब आगे उनकी बातें मैं फिर सुनाऊंगा। अभी उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।